दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को माता पिता और बीवी बच्चों संग मतदान किया, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान वाली तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर की। और पोस्ट शेयर करते हुए सीएम केजरीवाल ने वोट देने की अपील करते हुए लिखा कि आज मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। लेकिन इसी पोस्ट को लेकर सीएम केजरीवाल ने पाकिस्तान को लेकर रगड़ दिया। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व नेता फवाद चौधरी ने सीएम केजरीवाल के पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद केजरीवाल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बता दें कि फवाद हुसैन ने सीएम केजरीवाल की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि शांति और सद्भावना ही नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी, जिसके बाद केजरीवाल तिलमिला उठे और उन्होंने फवाद चौधरी पर पलटवार करते हुए लिखा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों यानी पाकिस्तान का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त तो नहीं करेगा। लेकिन इस बहस का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। फवाद हुसैन ने सीएम केजरीवाल के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा कि सीएम साहब, चुनाव प्रचार आपका अपना मुद्दा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उग्रवाद के मुद्दे का जिक्र करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के लिए खतरनाक है। इस मुद्दे से हर किसी को चिंतित होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन लोगों को बेहतर समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। इंडिया में नेताओं के भाषण पाकिस्तान की आलोचना के बगैर पूरे नहीं होते, जबकि पाकिस्तान में किसी को भी भारतीय राजनीति की परवाह नहीं है। ऐसा क्यों है? एक कारण ये हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम भारत के महत्व का प्राय है और बीजेपी मुस्लिम विरोधी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करती है। बता दें कि फिर काफी यूजर्स ने उनके इस पोस्ट का मुंहतोड़ जवाब देकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। एक यूजर ने जवाब देते हुए कहा कि भाई, जिस देश का अस्तित्व ही बिना भारत के संभव ना हो, वो ऐसी बातें ना करे तो बेहतर होगा। भारत का लोकतंत्र, विकास और राजनीतिक नेतृत्व सेना आतंकवादियों की गुलाम नहीं है। पहले पाकिस्तान को आजादी की लड़ाई लड़नी चाहिए, तब इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। भारत में भ्रष्टाचार और गरीबी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनके पास पाकिस्तान से बेहतर आर्थिक ताकत है। आपको इसके कारण पर ये विचार करना चाहिए, न कि खबरों में बने रहने के लिए बेवजह उनकी आलोचना करनी चाहिए।